श्रीमद्भागवतं की ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधार श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हम श्रीमद्भागवत के आठवें स्कंद 19वां अध्याय पहला और दूसरा दो श्लोक पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक के तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। पहला पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच इति भैरोचनेर्वाक्यम् धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्द्येदब्रवीत्। उधर दूसरा श्लोक लिखा है ना, एक अनुवाद पढ़ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज ने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ही कहा था। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। श्री भगवान उवाच वचस्तवै तज्जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः
श्री भगवान उवाच वचस्तवैतज्जनदेवसूनृतम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। जनदेवसूनृतं कुलोचितं धर्मयुतः यस्य प्रमाणं मृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। श्रीभगवानुवाच जनदेवसूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। श्रीभगवानुवाच वचस्तवैतज्जनदेवसूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् तथा प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः। वैष्णवीस्, श्री भगवान वाच वाचस्तवैत जनदेव सुन्दृतम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणम् श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, वचः शब्द, तव तुम्हारे, एतत् इस प्रकार के, जनदेव हे जनता के राजा, सोनृतम अत्यंत सच, कुल उचितम तुम्हारे वंश के अनुरूप, धर्मयुतम धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, यशः करम तुम्हारा यश फैलाने के लिए उपयुक्त, यस्य जिसका, प्रमाणम साक्ष्य प्रमाण, भृगवः भृगुवंशी ब्राह्मण, सांपराये अगले जगत में, पितामहः तुम्हारे बाबा, कुलवृद्धः कुल में सबसे बूढ़े, वयोवृद्ध, प्रशांतः अत्यंत शांत, प्रहलाद महाराज। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के ज्वलंत उदाहरण हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि
कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक में प्रशांत शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले ही वह गृहस्थ जीवन में क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं को त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विप्र के बन्यासी शूद्र के नाय जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। कृष्ण का पूर्ण तत्व वेता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु का गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु हैं। यहाँ पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुँह मांगा दान देना चाह रहे थे। सर्वप्रथम इधर उपस्थित सब वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद कृपा याचना करता हूँ, ताकि आने वाले आधे घंटे में कुछ श्रीमद् भागवत के दिव्य वाणी जो हमने सुना अभी, भगवान की वाणी, उससे कुछ ऐसे हम 2 शब्द बोले जिससे हम सब के कृष्ण भावनामृत में प्रेरणादायक हो और हमें भगवान के लिए रति जागृत करें। अभी हम नए अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं, बलि महाराज के, बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। तो भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं और विविध लीलाएं रचाते हैं, जिन लीलाओं के द्वारा अनगिनत सबक सिखाते हैं जीवों को। लेकिन अंततोगत्वा इन सब लीलाओं का एक ही मूल लक्ष्य है कि सब जीव भगवान की ओर रति जागृत करें और भगवद्धाम लौट चले। लेकिन भगवद्धाम लौटने के पहले इस दुनिया में कैसे जीने के लिए सीखे, कैसे जीना चाहिए, ये भी भगवान जब अवतरित होते हैं सिखाते हैं। आज के सत्र में जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, 4 शब्दों से भगवान बलि महाराज की गुणगान कर रहे हैं। जब बलि महाराज और सब सारे ब्राह्मण लोग उस यज्ञशाला में देखा कि एक खूबसूरत ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण, अपने हाथ में एक छतरी लेकर उधर प्रवेश किया है, सब लोग खड़े हो गए आदर सम्मान प्रकट करने के लिए। साक्षात दंडवत प्रणाम किया उनके समक्ष आदर प्रकट करने के लिए, तो ऊपर उठकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे थे। तो बलि महाराज इस तरह की तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजा लोग दान देने में उनको बहुत आनंद आता था ब्राह्मणों को। जैसे बलि महाराज बोलता है भगवान को, आपको क्या चाहिए बताइए, वामन को बोल रहे हैं, आपको सोना चाहिए क्या, जमीन चाहिए, एक ब्राह्मणी चाहिए शादी करने के लिए, नहीं तो आपको रथ चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। इस तरह ब्राह्मण लोगों को जैसे गाय, सोना, चांदी इत्यादि दान में देते थे राजा लोग, तो उनको आनंद हुआ कि हम दान देने के लिए कोई अच्छा ब्राह्मण आया है, लगता है कि बड़े योग्य ब्राह्मण हैं। बहुत खुश हुआ वो, उनको स्वागत करता है, अच्छे अच्छे मंगलमय शब्दों से उनको स्वागत करके उनकी प्रशंसा करता है। उसके बाद भगवान अभी आज का श्लोक बोल रहे हैं, तो भगवान भी उनको बता रहे हैं कि वचस्त ये तत्, तुम्हारे जो शब्द जो हैं वचः
तब ये तत् जन देव सुनृतम। चार चीज बोलते हैं भगवान, तुम्हारे शब्द सच हैं और तुम्हारे कुल के उचित हैं और धर्मयुत हैं और यश लाने वाले हैं तुम्हारे परिवार के ऊपर। अच्छा, चार चीज़ बोलते हैं। देखिए, शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है कि परिवार के पूर्वजों के नाम से जोड़कर लोगों को बुलाया जाता है। जैसे जनक की पुत्री को जानकी नाम से पुकारा जाता है, इस तरह कुंती के पुत्र अर्जुन को कौंतेय नाम से पुकारा जाता है। कोई पूछेंगे आपको, अरे माँ बाप के नाम से जोड़कर किसी को बोलोगे तो आसक्ति बढ़ ना जाएगा क्या? आसक्ति बढ़ जाएगा ना, माता पिता दादा दादी उनसे जोड़कर क्यों बुलाने का? लेकिन इसका भी मतलब है, क्योंकि उस ज़माने में माता पिता जो अच्छे खानदान में जन्मे हैं उनके नाम से जोड़कर किसी का नाम पुकारने से उस व्यक्ति का एक पाबंदी बनता है कि उसको माता पिता जैसे एक धार्मिक व्यक्ति बनना होगा उसको। जैसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम रो रहे हो, गांडीव को छोड़ दिया नीचे तुमने, तुम दुख को सहन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम किसका पुत्र हो जरा सोचो। हाँ, किसका पुत्र हो तुम? कुंती का पुत्र हो। अरे कुंती ने कितना यातनाओं का सामना किया उसने, ऐसे माँ के बेटे बनकर तुम क्या कर रहे हो देखो। ऐसे भगवान बता रहे हैं। इस तरह इसमें देखा जाता है कि जैसे एक श्लोक में मुचुकुंद स्तुति में मुचुकुंद राजा पहले अपनी गुफा में भगवान कृष्ण को जब देखता है कि काल यवन को जलाकर राख बना दिया मैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्ति था, उनके आंखों में ऐसे तेज था, लेकिन दूसरा व्यक्ति खड़ा है एकदम तेजोमय है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, सूर्य हो क्या, चंद्र हो क्या, अग्नि हो क्या, नहीं तो आप परम सत्य भगवान नारायण हो क्या, और आप खड़े हो एक कमल के ऊपर। और आगे जाकर बोला कि मैं आपका परिचय पहले पूछना उचित नहीं है, क्योंकि आप वरिष्ठ हो, महान हो, पहले मेरा परिचय दे दूंगा आपको, उसके बाद आपका पूछूंगा। ऐसे बोलकर अपना परिचय देता है मुचुकुंद राजा। बोलता है कि मैं इक्ष्वाकु के परिवार में जन्मा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं इक्ष्वाकु जैसे हूँ, पहले से मैं बोल देता हूँ आपको, मैं पतित से पतित हूँ और इक्ष्वाकु के परिवार में मानदाता राजा के पुत्र हूँ, लेकिन मैं अच्छे वंश में जन्मा हूँ, अच्छे कुल में, लेकिन मैं खुद पतित हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छा खानदान में जन्म मिला है, एक सौभाग्य एक मौका मिला है हमको अच्छे पथ को पकड़कर, सुपथ को पकड़कर चलने के लिए। ऐसे मुचुकुंद राजा अपने वंश में आए हुए पूर्वजों की गुणगान करता है। ऐसे इस तरह भागवत में अलग अलग प्रसंगों में हम सुनते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे अभी, ध्रुव महाराज आप लोग जानते हो, भगवान विष्णु के दर्शन करके बहुत यशस्वी बनकर अपने राज्य वापस लौट कर माता पिता अपने भाई उत्तम और बाकी सब जनता सबके प्रेम का पात्र बने। उसके बाद ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को मारा गया एक यक्ष के द्वारा। तब ध्रुव सारे दुनिया को दिखाना चाहा, उन्होंने मेरे भाई को मैं कितना प्रेम करता हूँ, तो उन्होंने ऐसे एक घमासान युद्ध किया यक्षों के साथ। लेकिन युद्ध करते करते अलकापुरी तक पहुँच गए और मन ही मन सोच लिया कि जब तक जो यक्ष ने मारा मेरे भाई को वो सामने नहीं आता तो सारे यक्षों के वंश को ख़त्म कर दूंगा। इस भावना के साथ अति रोष के आवेश में आकर ध्रुव महाराज ने सोचा कि ऐसे अलकापुरी के सब यक्षों को ख़त्म करूंगा। उस समय स्वयंभू मनु उधर प्रस्तुत होकर अनेक उपदेश देते हैं ध्रुव महाराज को। देखिए, हम लोग कभी कभी क्रोध को इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम निपटा सकते हैं, कर सकते हैं दूसरों से। जैसे माता पिता कभी कभी ऐसे क्रोध को प्रकट करते हैं बच्चे को, बनावटी क्रोध को, जिसके द्वारा बच्चा डर जाता है और पढ़ाई करता है, नहीं तो हाँ दिन भर खेलता रहेगा वो। इस तरह कभी कभी हम किसी के ऊपर क्रोध ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन असली रूप में हम रजोगुण के प्रभाव में नहीं आते।
ऐसे अगर हम क्रोध दिखाने के लिए सक्षम हैं तो ऐसे व्यक्ति क्रोध दिखा सकता है ऐसे, लेकिन कभी कभी क्रोध के आवेश में आकर हम इतने रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, हम अपने बाहरी परिस्थिति को भूल कर आग बबूला हो जाते हैं, जिससे कुछ कुछ लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है, तत्क्षण मर जाते हैं कुछ लोग है? नहीं तो कुछ लोग हाथ में कुछ लेकर दूसरों को मार भी देते हैं ऐसे है? इसलिए क्रोध आग जैसा है, उसको एक कंट्रोल में रखना चाहिए। ये समझाने के लिए स्वयंभू मनु ने उनको बोला, नास्मतत कुलोचितम तात, ऐसे बताया उन्होंने, हे बच्चे ध्रुवा, तुम ऐसे कुल में जन्मे हो, उत्तानापाद और स्वयंभू मनु ऐसे अच्छे खानदान में, तुम्हारे कुल में किसी ने इस तरह का विगर्हित काम, इस तरह का निम्न काम नहीं किया है किसी ने तुम्हारे खानदान में। तुम अच्छे खानदान में जन्मे हो बच्चे, तुम इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर जैसे अजामिल किसी वेश्यागमन करता है, तो उसको बोलना चाहिए कि अरे तुम ब्राह्मण के परिवार में जन्मे हो और अच्छे अच्छे ऊंचे श्रेणी के ब्राह्मण हुए हैं तुम्हारे परिवार में, और इस तरह गलत काम में जुड़ना नहीं चाहिए तुमको, इस तरह बोला जा सकता है ना। इस तरह स्वयंभू मनु ने बोला ध्रुव महाराज को, नास्मदत कुल उचितम, तुम्हारे कुल के वंशज लोग, तुम्हारे कुल के जो पूर्वज लोग तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे इस तरह के कार्य से। ये बच्चे, तुमने भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन किया है, प्रेम पाया है, और तुम भगवद्धाम लौटने के लिए टिकट तैयार है तुम्हारे पास, वैकुंठ विमान आकर लेके जाने वाला है तुमको, इस तरह के अवस्था में तुम कुछ गलत काम में फंस ना जाओ, सावधानी से रहो बेटे, सतर्क रहो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऊंचे स्तर पर आध्यात्मिक जीवन में पहुंचने के बाद भी कुछ खतरे हो सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देयर कैन बी एक्सीडेंट्स इवन ऑन अ रॉयल रोड, जैसे आजकल NH नेशनल हाईवे बड़े बड़े रोड बना दिया है और गाड़ियां तेज़ी से भागती हैं, उधर भी कभी कुत्ता भागता है इधर से उधर, बड़ा दुर्घटना हो जाता है। इस तरह हम लोग भी अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए भगवान वासुदेव के ऊपर अपने चित्त को लगाकर शांत होकर रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह वो बताते हैं। और ध्रुव महाराज तो बुद्धिमान है, तुरंत समझ लेता है और छोड़ देता है युद्ध को। लेकिन मैंने इस प्रसंग को इसलिए बोला क्योंकि वो कुल के साथ जोड़कर उनको समझ जाते हैं। इस तरह अनेक प्रसंग देखा जाता है, इधर भी वही बता रहे हैं, कुल उचितम, तुम्हारे कुल में प्रहलाद महाराज हुए हैं और अनेक दानी लोग हुए हैं तुम्हारे इसमें वंश में, और तुम भी इस तरह का काम किए हो, आप दान देने के लिए तैयार हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे वामन देव उनकी प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि धर्मयुतम, ये धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तुम कर रहे हो, यशस्करम, यश लाने वाला चीज़ है। और इसका कारण वो बोल रहे हैं कि तुमको भृगु के वंश के ब्राह्मण लोग इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए वो तुमको उपदेश दे रहे हैं, और परलोक पदवी की प्राप्ति के लिए तुम्हारे प्रहलाद महाराज जी जो दादाजी हैं वो तुमको उपदेश दे रहे हैं। इस तरह यह लोक प्राप्ति परलोक प्राप्ति दोनों अस्मिन अमुष्मिन बोला गया है भागवत में। देखिए भागवत हालांकि परोधर्म को सिखाता है, लेकिन भागवत में ये भी बात बताया गया है, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च, बताया गया कि इस दुनिया में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान इत्यादि की भी ज़रूरत है, और इसके बाद सब दुखों से निवारण पाने की भी सब जीवों को इच्छा होता है, और उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम को प्राप्त करके भगवद्धाम लौटना, वो सबसे उच्च कोटि लक्ष्य है। लेकिन इन तीनों के लिए मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय, भवाय च का मतलब इस दुनिया का सुख सुविधा इत्यादि, क्षेमाय का मतलब है दुखों से निवारण, मंगलाय का मतलब है प्रेम प्राप्त करना, ये तीनों का भागवत में वर्णन है। इस तरह तो बता रहे हैं कि तुमको मार्गदर्शन देने वाले बड़े योग्य व्यक्तियाँ हैं, ऐसे बता रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को इस दुनिया में शासन कैसे करना चाहिए उन्होंने सिखाया, क्योंकि देखिए भीष्म पितामह जब शरशय्या में लेटे थे अपने अंतिम काल में, तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये भीष्म पितामह कभी भी अपने इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर अपने शरीर त्याग देंगे, है कि नहीं, हाँ,
वो शरीर त्यागने के पहले इनके पास जो बहुत कुछ भरपूर ज्ञान है शासन के संबंध में, उसका नॉलेज ट्रांसफ़र होना चाहिए। कंपनियों में KT बोलते हैं ना, नॉलेज ट्रांसफ़र। तो उनसे नॉलेज ट्रांसफ़र किसको करना चाहिए? युधिष्ठिर को करना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर को लाया भगवान ने, हे युधिष्ठिर सामने बैठो, ऐसे प्रश्न करो ताकि तुम एक आदर्श राजा बन पाओगे, ये सीखने के लिए अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। तो बिठा दिया उन्होंने, अलग अलग धर्मों के बारे में पूछा, राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, लोक धर्म, सब पूछा। ये पूछने के बाद भीष्म पितामह ने बोला, बहुत हो गया अभी है, दुनिया के बारे में मैंने बहुत कुछ बोल दिया तुमको, बस अभी मैं शांत होकर भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरलक कुलावृतानाब्जम विजय सके रतिरस्तु मे न वद्या। इस तरह बोलकर भीष्म पितामह शांत हो गए और कृष्ण के मधुरिमा, कृष्ण के सुंदर स्वरूप, उनके लीला चेष्टाएँ इत्यादि के ऊपर रमते हुए उन्होंने सोचा कि अभी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुए। तब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अभी इनके अंतिम क्षणों में परोधर्म के बारे में पूछ लेता हूँ। इस तरह उन्होंने पूछा, चार प्रश्न पूछा उन्होंने, किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवंतकम कमर्चंत प्राप्नुयुर्मान वा शुभम को धर्म सर्वधर्माणाम भवत परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। चार प्रश्न पूछते हैं। पहले पूछते हैं कि बताइए भीष्म पितामह जी, इस दुनिया में अनेक धर्म होते हैं, उन धर्मों में श्रेष्ठतम धर्म क्या है वो बताइए, क्योंकि परिवार का धर्म है, देश का धर्म है, ऐसे अनेक धर्म है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है वो पूछते हैं। और पूछते हैं कि स्तुवंत कम, किसको स्तुति करना चाहिए, कम अर्चन्त, किसको अर्चना करना चाहिए, करने से प्राप्न युर्मान वाशुभम, हमें शुभ प्राप्त होगा, उन किसकी पूजा से। अनेक लोग पॉलिटिशियन लोगों की पूजा करते हैं, सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस उनकी पूजा करते हैं, अलग अलग लोग किसी की अनुयायी बनते हैं, मुझे किसकी पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, इसे पूछते हैं। और पूछते हैं कि किसकी नाम जपने से जन्म संसार बंधन से जीव ऊपर उठ सकता है, इस तरह का प्रश्न पूछा उन्होंने। तो इसको सुनकर भीष्म पितामह इतने खुश हो गए, वापस आंख खोल दिया और एकदम उत्साही बन गए। उस समय से बोलने लगे, भीष्मोवाच, उधर से शुरू होता है, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं स यजमानस्तमेव च। इधर से शुरू करते हैं, तुमने ऐसे प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर जिसको सुनकर मेरा उत्साह बढ़ रहा है और सारे ये जो बाणों का दर्द है भूल गया मैं, कुछ दर्द नहीं है, क्योंकि भगवान के गुणगान में भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। तो जगत प्रभु, वो भगवान जगत के प्रभु हैं, देव देवम, सब देवताओं के देव हैं, और जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुष उत्तमम, ऐसे शुरू करते हैं। सहस्रनाम में बोलूँगा तुमको, सुन लो, वो ही एकमात्र व्यक्ति है, पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, अर्चनीय है, और शरण्य है, शरण लेने के लिए योग्य व्यक्ति है, वो ही सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, भागवत बोलता है इसे। तो इस तरह उन्होंने गुणगान किया भगवान की सहस्र नामों से। सहस्र नाम बोला गया भीष्म के द्वारा और सुना गया साक्षात भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण के द्वारा, उधर ही बैठकर कृष्ण सुन रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज को भी लाभ प्राप्त हुआ और हम सबको भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि भीष्म के पास राज धर्म के बारे में ज्ञान था, इसलिए युधिष्ठिर को भीष्म ने मार्गदर्शन किया और उनके परलोक के धर्म के बारे में कृष्ण ने उनको जानकारी दिया। ये दो लोग महत्वपूर्ण लोग हैं युधिष्ठिर के जीवन में, भीष्म और भगवान कृष्ण। ऐसे इधर भी ऐसे ही इनको भी प्रहलाद महाराज मिल गए हैं। श्रीधर स्वामी उनके टीका में बताते हैं, सांपराये पारलौकिक धर्मे पितामहश्च प्रहलाद प्रमाणम, बताते हैं कि परलोक धर्म में निपुण थे उनके पितामह प्रहलाद। तो वो
इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज तो इनके दादाजी थे, क्योंकि बलि के पिताजी विरोचन, विरोचन के पिताजी प्रहलाद। अभी प्रहलाद तो शुद्ध भक्त हैं, कोई पूछ सकता है कि अभी क्या कर रहे हैं प्रहलाद जी, अपने पौत्र जो है बलि उनके ऊपर इनका इतना आसक्ति क्यों है, ऐसे कोई पूछ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, हालांकि प्रहलाद जी गृहस्थी थे, पत्नी बच्चे इनके साथ थे, और उनके पौत्र के ऊपर इनका एक नज़र था, ध्यान था कि वो भी भगवान का भक्त बने, और भगवान की भक्ति के संबंध में जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार थे प्रहलाद जी। तो इधर प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कभी कभी ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग गृहस्थियों को देखकर बोलते हैं, अरे तुम्हारा 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, अभी कब वैराग्य आएगा तुम्हारे में, सब छोड़कर तुम साफरान लोगे, इस तरह कभी कभी लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं इधर, साफरान लेने से नहीं तो वैराग्य ऐसे बाहरी दृष्टि से करने से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को असली वैराग्य का मालूमात होना चाहिए, ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी इधर। देखिए, त्याग और वैराग्य एक नहीं है। त्याग का मतलब है दुनिया की चीज़ों को छोड़ देना, वैराग्य का मतलब है दुनियादारी चीज़ों में ना रमना, दुनियादारी चीज़ों में रुचि ना लेना, वो वैराग्य है, विगत राग ऐसे बताया गया है। क्योंकि एक राजा था, कौशिक राजा, वो सब दुनिया के सब चीज़ों को छोड़कर जंगल में गया, सन्यास भी ले लिया, सन्यास का कपड़े भी पहन लिया, ऐसे भगवा कपड़ा पहन लिया, लेकिन मन अशांत था उसका, मन बहुत विचलित था, भटक रहा था। तो और एक सन्यासी को मिला उधर, पूछा कि स्वामी जी, मैंने सुना है कि अगर सब त्याग दिया हमने इस दुनिया के तो शांति प्राप्त होता है, हम नैष्टिक की शांति प्राप्त करने के लिए हम सब छोड़े हैं, लेकिन जंगल में आने के बाद भी हमारे मन बहुत विचलित हो रहा है, कारण क्या है? तो सन्यासी जानते थे ये कौन है, फिर भी सन्यासी ने मुस्कुराया और इनको पूछा, आप ज़रा बताओ आप कौन हो, ऐसे पूछा उन्होंने। तो ये राजा को बहुत बुरा लगा, आप क्या पूछा आपने, कौन को पूछ रहे हैं आप, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम है कौशिक राजा, मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, हमारे इतने अक्षौणी सेना थे, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, इतना हमारा खजाना बड़ा था, इतने जनता था, और उन्होंने इस प्रदेश को काबू में लाया, उसको लाया, इसको लाया, इतने बड़े राज्य के हम बड़े नेता थे वगैरह, ऐसे बोलकर आधा घंटा बोलकर थक गया, पसीना छूट गया उसका। तो सन्यासी मुस्कुरा रहे थे, बोले कि देखो राजन, ये तुम्हारा समस्या है, क्योंकि तुमने इन चीज़ों को छोड़कर आया है, लेकिन इनके ऊपर आसक्ति नहीं छूटा है तुम्हारा। जब तक आसक्ति रहता है इंसान को शांति नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपको इस आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने बोला। इसलिए इनके बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में एक श्लोक है, गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दन बाजी वस्तुषु अक्षय्य रत्नाभरणं बरादिषु अनंतकोशेषु अकरोत् असन्मतिम्। ऐसे एक श्लोक है इनके बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में उधर बताया गया है। गृहेषु, वो गृहस्थ में रहते थे, दारेषु उनके अनेक धर्म पत्नियाँ थीं, सुतेषु बच्चे भी थे, बंधुषु अपने नाता रिश्ताओं के साथ रहते थे वो। आगे बताते हैं, द्विपोत्तम उनके पास बड़े बड़े हाथी थे, स्यंदना ऐसे रथ थे, सोने के रथ थे, वाजी वस्तुषु अनेक घोड़े भी थे, और अक्षय्य रत्नाम्बरण बताते हैं उनके पास ऐसे कोष था जिसका सीमा ही नहीं था, इतने रत्न सोना चांदी था उनके पास, ऐसे बताते हैं। अक्षय्य रत्नाम्बर, अम्बर का मतलब है अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे राजा का कपड़े पहनते थे वो आदिशु। और ये अनंत कोष इत्यादि होने के बाद भी उनके मति उन चीज़ों से आसक्त नहीं हुआ, अकरोत असन्मति ऐसे उनको असत माना उन्होंने, इन चीज़ों से उनका लगन नहीं था, हालांकि उनके बीच में रहते थे वो लेकिन आसक्ति नहीं था। यही बताया जा रहा है भागवत में कि गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, इस दुनियादारी चीज़ों में ना रमकर भगवान के
नाम गुण रूप लीला में रमना चाहिए व्यक्ति को, और जो रमेगा वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया है। भगवान चैतन्य देव जब दक्षिण भारत के प्रचार में जाने वाले थे, उधर जगन्नाथपुरी में, वो जाकर मिले इनसे, भट्टाचार्य से, स्वर्ण भट्टाचार्य से मिलकर बोला कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो करके उन्होंने विनती किया। तो भट्टाचार्य ने बोला कि मैं तो गृहस्थी हूँ, घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ, आप तो यतिराज हैं, सन्यासी हैं, द्विज श्रेष्ठ हैं, आप कैसे मेरे से याचना कर सकते हैं आशीर्वाद के लिए। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, अगर कोई गृहस्थी भी हो, अगर भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा आराधना बहुत प्रेम से करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, भोग चढ़ाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है और भगवान में ही रमता है कोई गृहस्थी, ऐसे गृहस्थी सन्यासियों को भी आशीर्वाद देने के लिए सक्षम बनता है, योग्य बनता है, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह भगवान चैतन्य देव की संस्था में हम लोग जुड़े हैं, इसलिए गृहस्थ ब्रह्मचर्यों के बीच में जो एक दूसरे का आदर सम्मान होना बहुत आवश्यक है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जी परिवार के बीच में हैं लेकिन आसक्ति नहीं है उनका, उनका आसक्ति क्या है, मेरे पौत्र जो बलि है उसको भक्ति प्राप्त हो, वो भगवान का शरण ले, भगवान के भक्त बनकर यशस्वी बने, वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे ना बने, यह उनकी मति है। इसे इसलिए प्रभा जी बता रहे हैं कि इस तरह के भक्ति मति उनके अंदर जो है, जिसके अंदर होता है उसको खंडन नहीं करना चाहिए। एक पति पत्नी थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक कत लिखा था प्रभुपाद जी को, पति ने बोला कि मैं पत्नी से धर्मपत्नी से ये ले लिया, परमिशन ले लिया, मुझे संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अरे आप दोनों सन्यासी जैसे ही सेवा कर रहे हो, हमारे संस्था में सैकड़ों सेवा कर रहे हो आप, ऐसे ही करते चलाओ, ऐसे बोला उस समय प्रभुपाद ने, जब सही समय आएगा मैं बोलूँगा, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। इसका मतलब क्या है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते करके रूप गोस्वामी ने समझाया है कि असली वैराग्य का मतलब क्या है। देखिए दुर्वास मुनि बड़े वैरागी था, वो नदी के तट में सो जाता था, कभी गुफा में रहता था ऐसे, और उसके अंदर सिद्धियाँ भी थी, उड़ सकता था आसमान में और अनेक सिद्धियों को प्रकट करता था। वो देखने में सिर्फ कॉपीन पाना है, लगता कि बड़ा वैरागी है, लेकिन इतना वैराग्य होने के बाद भी वो वैराग्य का गर्व है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि पहले एक व्यक्ति इस दुनिया को जो त्यागता है उसको आसक्त नहीं चाहिए उन चीज़ों में, लेकिन आसक्ति छूटने के बाद उसको अपने वैराग्य के बारे में अहंकार नहीं होना चाहिए। देखो मैंने दुनिया की चीज़ों को छोड़ भी दिया और आसक्ति भी छूट गया, हम बड़े वैराग्य हैं करके अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जैसे दूध में अगर एक थोड़ा जहर को डालने से दूध बिगड़ जाता है ना, इस तरह अहंकार से हमारा वैराग्य बिगड़ जाता है। इस अहंकार के कारण ही दुर्वास मुनि को ईश्वरशन को सामना करना पड़ा, अम्बरीश को अपराध किया। जब वैकुंठ लोक में पहुंचा, भगवान विष्णु को बोला उसने, हे भगवान विष्णु, हमने सुना है ये एक श्लोक नमो ब्रह्मण्य देवाय करके, आपका नाम ब्रह्मण्य देव है और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी सुरक्षा प्रदान करना आपका कर्तव्य है। विष्णु ने बोला, सही बोला, श्लोक तो सही है तुमने जो बोला, लेकिन मैं ब्राह्मणों से वैष्णवों को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसे बोले भगवान। तो दुर्वासा मुनि ने पूछा, ऐसे क्यों पूछा उसने, उन्होंने बोला, देखो दुर्वासा, मेरे भक्त अम्बरीश को देखो, उसके सामने तुमने ऐसे एक बहुत बड़ा असुर को खड़ा किया तुमने, लेकिन मेरे भक्त को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के, एक इंच भी हिला नहीं मेरा भक्त, ऐसे हाथ जोड़कर मेरा स्मरण कर रहा था वो, लेकिन जब तुमने सुदर्शन चक्र को देखा, तुम तो उधर भूमि को छोड़कर इधर उधर उड़ने लगा, आसमान में और भूमि में और समुद्र में, और बाद में ब्रह्मा के लोक, उसके बाद शिव जी के लोक, और इधर भी तुम आ पहुँचे अभी, इतना तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारा आसक्ति है, तुम देहात्म बुद्धि में हो, और तुमको, तुम अपने आप को तुलना करो अम्बरीश से, अभी तुम जान जाओगे मैं अम्बरीश को क्यों प्रेम करता हूँ, ऐसे बोले भगवान। इतना ही नहीं, भगवान बोले, मेरे स्वतंत्रता नहीं है मुझे, ऐसे बोले, मयि निर्बद्ध हृदया सर्वत्र समदर्शनाः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिं यथा अहं भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजा
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। भगवान ने बोला देखो मुझे स्वतंत्रता नहीं है, मेरे भक्त मेरे से भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे बोले भगवान। दुर्वासा ने बोला कि देखिए भगवान आपका सोचना ऐसा है लेकिन भक्त तो आपके ही एक अंश हैं, आप उनसे बड़े हो। भगवान ने बोला ठीक है जो भी तुमने बोला सही है, फिर भी जिस तरह ये एक धर्म पत्नी पतिव्रता होती है उसके पतिव्रतता से भक्त बिक जाता है उसके पति हाँ उसका पति, तो पति उसके गुलाम बन जाता है। इस तरह मैं भी मेरे भक्तों के शुद्ध भक्ति को देख कर मैं उनके दास बन जाता हूँ, ऐसे भगवान बोले। इसलिए मेरे भक्त को तुमने यातना दिया है, चलो उसके पास जाकर दंडवत करो। तो उस लीला से पता चलता है कि एक गृहस्थ वैष्णव हो सकता है वो बड़े बड़े अष्ट सिद्धि प्राप्त किए हुए योगियों से भी वो श्रेष्ठ है, इस तरह हमें पता चलता है उससे। तो इस तरह की लीलाएँ भागवत में बताए गए हैं, तो इधर वही बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और अंत में तात्पर्य में और एक बात बता रहे हैं कि वामन देव ने यह भी बात सिखाया सन्यासियों को ब्रह्मचारियों को कि जितना चाहिए उनको उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, आगे जाकर एक श्लोक आएगा हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी बहुत कम इकट्ठा करता है अपनी ज़रूरतों के लिए, जितना ज़रूरत है उतना ही लेता है, उसकी ज्ञान का वर्धन होता है, बुद्धि का वर्धन होता है और ऐसे व्यक्ति का तेज का वर्धन होता है और वो मुक्त हो जाता है दुनिया के बंधनों से, ऐसे बताया गया। इसके एकदम विरुद्ध अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करेगा अपने भोग के लिए, वो किसके समान है, एक काष्ठ जो है जो चूल्हा में चलाते हैं उस काष्ठ के ऊपर पानी को फेंकने से क्या होता है, उसके बाद जब चूल्हा में लगाओगे तब धुआं निकलेगा। इस तरह ब्रह्मचारी सन्यासी लोग ज़्यादा इकट्ठा करते हैं उसमें इतने डूब जाएंगे भौतिक भोग विलास में कि उनके वैराग्य निकल जाएगा और वैराग्य ना होने के कारण भगवत प्राप्त नहीं होगा उनके। इसलिए युक्त वैराग्य तो सही चीज़ है लेकिन युक्त वैराग्य करने के पहले वैराग्य होना चाहिए पहले, इसलिए ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी उसके अंत में। इस तरह प्रभुपाद जी देखिए उनके अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग विषयों के ऊपर जोर दिया है। कुछ कुछ शास्त्रों में प्रभुपाद एकदम स्ट्रांगली कंडम करते हैं, हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम बोलते हैं कि घर गृहस्थी में अगर कोई पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन बंधु इत्यादि लोगों में रमता है और भगवान को भूल जाता है तो बहुत खंडन किया है प्रभुपाद जी ने। लेकिन इसके विरुद्ध अगर कोई गृहस्थी भक्ति में जुड़ा है गंभीर है अपने पत्नी बच्चों को भी जोड़ता है भक्ति में, उनके बहुत गुणगान किया है प्रभुपाद जी ने। इसलिए भक्तिमय जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ है हम भगवान से जुड़े रहे और भगवान की भक्ति में रमें और इस दुनिया के भौतिक पदार्थों में ना रमें, ये महत्वपूर्ण सीख है आज के श्लोक से। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।